नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है साउथ दिल्ली के तिगड़ी इलाके में। एक किन्नर के घर हुई लूटपाट में दिल्ली पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल 26 अप्रैल को 32 साल की एक किन्नर के फ्लैट से लाखों रुपए सोने के जेवर और कैश लेकर चोर फरार हो गए थे। चोरों ने किन्नर के घर से 1,00,000 रुपए, 3 सोने की चैन, 10 सोने की अंगूठी, 5 जोड़ी कान के कुंडल और आधार कार्ड ATM कार्ड पर हाथ साफ कर दिया था। साउथ दिल्ली की DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई थी, जिसे सब इंस्पेक्टर राकेश और सब इंस्पेक्टर रामकिशन लीड कर रहे थे। पुलिस टीम ने सबसे पहले इलाके के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस के सामने संदीप उर्फ निक्की नाम के बदमाश का चेहरा आया। संदीप टिकली क्रिमिनल सुनील उर्फ गंजा का भाई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस को संदीप की लोकेशन राजस्थान के भरतपुर में मिली। उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों की राजस्थान रवाना हो गई थी। आरोपी संदीप भरतपुर के हेरेना गांव में अपनी बुआ के घर पर ठहरा हुआ था। पुलिस ने तड़के संदीप को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त संदीप को गिरफ्तार किया गया, उसने लूट की हुई सोने की दो चैन भी पहन रखी थी। पुलिस संदीप की गिरफ्तारी कर दिल्ली ले आई और तलाशी के दौरान आरोपी के पास से सोने की चैन, सोने की अंगूठी, कान के कुंडल, चांदी की मूर्तियां, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद कर लिए गए। DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि किन्नर कली शर्मा के घर से लूटी गई 100% वस्तुओं को बरामद कर लिया गया है। DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने संदीप का साथ देने वाले दो नाबालिग आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। इन आरोपियों ने कली के घर की रेकी की थी और चोरी में संदीप की मदद भी की थी। संदीप उर्फ निक्की ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने अपने भाई सुनील उर्फ गंजा की जमानत के लिए इस लूटपाट को अंजाम दिया। तिहाड़ जेल में बंद संदीप के भाई सुनील उर्फ गंजा ने जेल से संदीप को धमकाया था कि या तो उसे जमानत पर छुड़ा ले, नहीं तो संदीप को घर से सभी रिश्ते से बेदखल कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि संदीप ने लूटपाट की प्लानिंग रची। इससे पहले भी संदीप दो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।